चौथा बार गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस फॉर्मूला पे कैसे कैसे एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। जैसे देखो क्वेश्चन एसएससी ऐसे पूछा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 22 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 22। ये क्वेश्चन देखने पे बहुत टफ लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा आसान, ठीक है। अभी ये बताएंगे नहीं, अभी आप सीख जाओगे कि ये फॉर्मेट किस फॉर्मूला पे है। फिर इसके बाद आप देख पा रहे हो कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू को अभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, पूछ देता है ना, क्योंकि पूछता है साइन 18 डिग्री या फिर साइन 22.5 डिग्री। और ये चीजें कॉस में भी पूछ सकता है, टैन में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपसे एग्जाम में पूछ दे, तो अगर याद है तो आप सेकंड में उसको क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं याद है तो भाव गंभीर हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप बना तो लोगे लेकिन रिजल्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये दिया गया था आपको रिजल्ट टाइम सेविंग के लिए। चलिए देखते हैं हम लोग साइन 15 डिग्री का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो साइन 15 को साइन 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, और इसमें किसी को अचरज नहीं होना चाहिए, सरप्राइज नहीं हो रहे हो कि कैसे लिख दे 45 माइनस 30। अब ये देख रहे हो कि ए के जगह पे 45 दिया हुआ है और बी के जगह पे कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि साइन a माइनस b पे फॉर्मूला है। साइन a माइनस b का फॉर्मेट आपको याद है ना, देखो ध्यान दीजिएगा, इसको आराम से लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब साइन 45 का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू क्या, √3/2, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कॉस 45 का वैल्यू क्या और साइन 30 का वैल्यू क्या, 1/2। अब इसको सोल्व करो, आप तुरंत प्राप्त करोगे √3 माइनस, ठीक है। तो √3 माइनस 1/2 √2। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए, याद रहना चाहिए कि साइन 15 का वैल्यू √3 माइनस 1/2 √2। जैसे ये क्वेश्चन कहाँ पूछ सकता है, LDC में डायरेक्ट हमने देखा है क्वेश्चन, MTS में पूछ सकता है, ठीक है, CGL की PT में भी पूछ सकता है, आप लोग थोड़ी ना सकते हो, ठीक है। तो साइन 15, अब जैसे ही साइन 15 साइन 18 देख रहे हैं निकालने के लिए, तो आपको कंपाउंड एंगल की जरूरत पड़ रहा है, तो थोड़ा सा हम कंपाउंड एंगल पे डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है, परमिशन है ना, परमिशन गारंटेड। कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे, सभी लोग सभी बच्चे इस पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम समझाने जा रहे हैं और आपको मजा भी आएगा, ठीक है। जैसे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू, ठीक है। और ठीक कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि साइन a प्लस b और साइन a माइनस b, कॉस a प्लस b कॉस a माइनस b के फॉर्मूला हम यूज कैसे करें। इस ये चार बेसिक फॉर्मूला है, रूट फॉर्मूला है, और इससे आप तैयारी कर सकते हो बढ़िया से। आप देखो क्या क्या करेंगे इसके साथ हम खिलवाड़, ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे एक फॉर्मूला बनेगा, कैसे बनेगा, साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। तो आप देख पा रहे हो कि ये वाली जोड़ने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन a इंटू, समझ में आया, तो रूट फॉर्मेट था ना ये। अब इसी को घटा देंगे तो अब ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा,
इसका मतलब साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मेट होगा, फॉर्मूला होगा, वो क्या हो जाएगा, टू कॉस ए इंटू साइन. समझ में आया? क्या किए, ये दोनों को जोड़े तो एक फॉर्मूला निकला, ये दोनों को घटाएं तो दूसरा फॉर्मूला. ठीक यही बात ये दोनों को जोड़ने पे आएगा, यही बात ये दोनों को घटाने पे आएगा, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा एक बार टू कॉस ए इंटू कॉस बी का और एक बार मिलेगा टू साइन ए इंटू बी का. तो आप ये देखें कि इसका यूज करके ये चार बेसिक रूट फॉर्मूला का यूज करके हम चार फॉर्मूला और फाइंड आउट किए, ये ना. अब ये चार फॉर्मूला से चार फॉर्मूला और निकल सकते हैं. कैसे निकल सकता है आप देखिए ध्यान से. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ए प्लस बी को हम एज्यूम कर लिए क्या चीज, सी. यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, ए प्लस बी इक्वल टू सी, और ए माइनस बी को एज्यूम कर लिए डी. तो आप एक बात याद रखो, आप लोग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद किए हो कि नहीं, साइन सी प्लस साइन डी. तैयार हो? अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बी से बी कैन सी, टू ए क्या हो जाएगा सी प्लस बी, ए क्या हो जाएगा सी प्लस डी बाई टू, और ठीक बी निकालोगे तो आपको निकल जाएगा सी माइनस डी बाई टू. ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं सर. अब देखो यही चीज है, ए प्लस बी यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन सी आ जाएगा, देखो साइन सी, और यहाँ पे आ जाएगा साइन डी. ठीक है, और टू साइन ए, ए के जगह पे क्या लाए बताओ, सी प्लस डी बाई टू, और यहाँ पे क्या लाए बताओ, सी माइनस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई. ठीक है, कॉस डी माइनस, कॉस नहीं लिखे, थक गया कॉस सी माइनस डी बाई. ठीक, इसमें ही पुट करेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा, मिलेगा ना, आपको साइन सी प्लस साइन डी का निकला, साइन सी माइनस साइन डी का निकला, और आगे कोशिश कीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी का निकालिए, कॉस सी माइनस कॉस डी का निकालिए, तो फिर से चार से बारह फॉर्मूला हो गया. ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ? yes. आगे बढ़ते. अब इसी रूट फॉर्मूला का यूज और भी खतरनाक तरीका से कर सकते हैं, अगर a बराबर b पुट करते हैं. अब हम क्या एज्यूम किए, a बराबर क्या है, a जो है किसके बराबर है, b के बराबर है. अगर a जो है b के बराबर है तो b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a, b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a, b की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो b की जगह पे a लिख सकते हैं, तो साइन टू ए का जो फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन टू कॉस ए. क्लियर है? अब इसी से अगर हम tan के फॉर्मेट में इसका फॉर्मूला लाना चाहते हैं, tan के फॉर्मेट में, तो cos a से डिवाइड करके cos a से क्या करते हैं, आप देखो ये चीज को क्या लिख सकते हैं, टू tan, और ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, मतलब ये हुआ कि आप sin 2a का भी वैल्यू निकालोगे. ठीक है, अब इस फॉर्मूला में अगर आप a के जगह पे b पुट कर दोगे तो cos 2a आ जाएगा ना, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, पूरे के पूरे cos में आएगा, तो पूरे के पूरे cos में आ जाएगा, तो टू cos स्क्वायर a माइनस साइन, पूरे के पूरे साइन में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ, वन माइनस टू साइन स्क्वायर. और अगर टेन में इसी टेन को लाना चाहते हो तो क्या जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर ए बाई वन प्लस टेन स्क्वायर, बोलिएगा किसी को. तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, आप और आगे के चीजों में आप देख सकते हैं. ठीक, क्लियर है ना, कंपाउंड एंगल एक प्रकार का रूट फॉर्मूला है. देखिए चीजों, मान लो कि आपके पास साइन 18 डिग्री का वैल्यू प्रूफ करना है, कि साइन 18 डिग्री पूछते, साइन 15 डिग्री का तो लिख लिए, फाइंड आउट कर लिए, अब साइन 18 डिग्री का प्रूफ कर रहे हैं, कि पहले निकाल के देख रहे हैं कि क्या साइन 18 डिग्री का क्या होता है, प्रूफ नहीं सॉल्यूशन है ना. मान लो कि यहां पे प्रूफ करने का तरीका है, थीटा का वैल्यू हम क्या एज्यूम कर लेंगे, 18, और दोनों तरफ हम 5 से गुना कर देंगे, तो कोई दिक्कत है किसी को, अपने से दोनों तरफ 5 से गुना कर दिए, फिर कैंसिल आउट होके थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 डिग्री.
थ्री थीटा प्लस टू थीटा इक्वल टू नॉट जीरो, इसका मतलब फाइव थीटा को थ्री थीटा प्लस टू थीटा लिख सकते हैं। गेट बंद कर दो पूरा। अब इसको ऐसे लिखे टू थीटा इक्वल टू नब्बे डिग्री माइनस थ्री थीटा, वो लिखे किसी को टू थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा नब्बे माइनस थ्री। अब दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं, साइन टू थीटा। अब देखो साइन नब्बे डिग्री माइनस थ्री थीटा क्या हो जाएगा कॉस थ्री थीटा, क्लियर है। अब कॉस थ्री थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, आप याद कर लीजिएगा कॉस थ्री थीटा और साइन थ्री थीटा, ठीक है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला है सर। अब साइन टू थीटा को क्या लिख सकते हैं टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा, क्लियर है। अब ये दोनों में से कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा कॉमन आ गया, बचेगा क्या चीज फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, समझ में आया माइनस थ्री। ध्यान दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉस से कॉस कैंसिल, ठीक है, तो बचा क्या चीज टू साइन थीटा इक्वल टू फोर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, है ना। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं टू साइन थीटा इक्वल टू फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये सब टफ टफ कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आ रहा है ना जी सर। इसको इधर ले आते हैं फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा और प्लस वन था तो उधर जाकर माइनस, आप ये देख रहे हो लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, बार बार क्वाड्रेटिक को हम लीनियर ही बोल देते हैं। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालोगे माइनस बी, आपको याद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में जब इस फॉर्मेट में रहे एक्स निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा टू ए वेयर डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर है ना, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ना, कोई दिक्कत नहीं सर। इसका मतलब ये चीजें सब लोग भूल जाता है, देखता है टेंथ का चीज है क्या काम करेगा, देखो काम करेगा इरेज करें इसको। अच्छा चलो इसी को देख करके एक्स स्क्वायर की जगह पे ये है, एक्स की जगह पे ये है, कांस्टेंट की जगह पे ये है, करेंगे माइनस बी तो माइनस बी माइनस टू ठीक है प्लस माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर दो का स्क्वायर कितना चार माइनस माइनस ना फोर ए कितना और सी कितना बाई टू ए कितना फोर, ठीक है क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस माइनस चार और माइनस माइनस प्लस चार चेको सोलह सोलह चार बीस, बीस को पांच गुने चार लिख सकते हैं और चार बाहर निकलेगा तो क्या होगा टू रूट फाइव, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं टू रूट फाइव बाई। अच्छा इसको भी दो गुने चार ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है दो से दो कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट फाइव बाई यही साइन थीटा का वैल्यू। लेकिन आपको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन वन, इसका मतलब ये हुआ कि केवल हम पॉजिटिव सिंबल ले सकते हैं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई, इसका मतलब इसको और से जाके लिखे साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट फाइव माइनस वन बाई, और थीटा की जगह पे क्या लिखे थे समझ आ गया साइन अठारह डिग्री ठीक है, समझ में आया जी सर। साइन अठारह का वैल्यू क्या हो गया रूट फाइव माइनस वन बाई, ठीक है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि बस क्या समझा रहे सर, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया साइन अठारह डिग्री का वैल्यू और रूट फाइव माइनस वन बाई फोर तुम क्लिक हो गया तुम याद करके रखे हुए रहोगे तो तुम साक्षात हमको महसूस कर रहे होगे कि मेरे सामने विकास सर हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी बना पाए तब भी तुम हमी को महसूस करोगे सर कहे थे आता है और देखो हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो बोलो तो साइन अठारह डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अभी आप लोग फिर से एक बार बोलो साइन अठारह डिग्री का फाइव माइनस वन बाई फोर, अच्छा साइन अठारह डिग्री का वैल्यू प्रूफ कर दिए याद हो जाएगा रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, साइन पंद्रह डिग्री का देख लिए। अब एक वैल्यू और हम बता देते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइन साढ़े बाईस डिग्री का बताने का, ठीक है। और जी जी जैसे मान लो कि साइन कॉस पचहत्तर का आ जाएगा तो ये सब तो आप निकाल सकते हो ना, हाँ
आगे है साइन 22.5 डिग्री और इसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे हम, ठीक है। साइन 22.5 डिग्री का प्रूफ करने के लिए थीटा की वैल्यू हम 22 गुणांक 1/2 एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तैयार हो ना जी? यस सर। ठीक है, इसको 2 थीटा इक्वल टू 45 लिख सकते हैं। अरे बोलो ना। यस सर। लिख सकते हैं ना। अब ये बात बताओ, दोनों तरफ कॉस 2 थीटा लगा दें, कॉस 45 हो जाएगा। अब कॉस 2 थीटा लगाने का लाना पड़े साइन में। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी सीखे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी सीखे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अप्लाई कौन करना ठीक रहेगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर 22 गुणांक 1/2 1/2। अब हमेशा साइन 22 गुणांक 1/2 लिखने से अच्छा है कि साइन 22 गुणांक 1/2 ही का वैल्यू निकालना है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? एक्स। तो ये क्या हो गया? 1 - 2x² = 1/2। आप देख रहे हो कि एक्स का वैल्यू अब निकालना आसान है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिए, 2x² = 1 - 1/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अरे बोलते रह गए, हो जाएगा। 2x² = सोल्व करेंगे तो √2 - √2, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुना में डिवाइड हो जाएगा ना, 2 - 1/√2, ठीक है। स्क्वायर एक अंडर रूट चढ़ जाएगा ना, यही आंसर। लेकिन इसको और बढ़िया से लिखेंगे, और थोड़ा बढ़िया से सजा सजा के लिखेंगे। √2 को √2 से गुना भागा कर देंगे, भारत गरीब नहीं ना होगा। अच्छा, √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? और √2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या? और नीचे देखो कितना हो जाएगा? अंडर यही एक्स के बदले क्या निकल जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 2 - √2/2, यही ना एक्स का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू मतलब क्या? एक्स का वैल्यू साइन 22.5 डिग्री। इसका मतलब साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू याद कीजिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा भी है, 2 - √2/2। तैयार हो? तो आप देखिए कि फॉर्मूला से कैसे इस्तेमाल हुआ, और ये छोटी छोटी बातें थी, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। इस चैप्टर के बाद, इस वीडियो के बाद 3 वीडियो और आएगा, जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 पे 3 वीडियो लगातार 10-10 मिनट का शूट करेंगे, ठीक है। और आपको तीनों वीडियो देखो, नए व्यूअर पीछे वाले वीडियो भी देखेंगे, तब उनको कुछ समझ में आएगा। आप लोग तो लगातार बातों को समझ रहे हैं ना, समझ पा रहे हो ना, समझ में आ रहे हैं ना, मजा आया ना। थैंक यू।